दोस्तों नमस्कार। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से हिंदू धर्म में प्रचलित कावड़ यात्रा पर विश्लेषण करेंगे। दर्शकों, हमारा उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, वरन भक्त समाज को शास्त्रों के आधार पर सही व गलत धार्मिक क्रियाओं से अवगत कराना है। सावन का महीना, जिसमें ज्यादातर उत्तरी भारत से श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते हैं और अपने निकटतम मंदिर में भगवान शिव जी का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बहुत दूर दूर से पैदल तथा वाहनों से इस कावड़ यात्रा को करते हैं, तो इसका हमारे ग्रंथों में वर्णन क्यों नहीं। कावड़ यात्रा के दौरान लगाया जाने वाला जयकारा बम बम, जो तार्किक ही नहीं है, इसका हमारे सदग्रंथों में कोई जिक्र क्यों नहीं। कावड़ यात्रा के दौरान क्या भांग पीना उचित है? क्या भगवान शंकर ने कहीं भांग पीने के लिए कहा है? क्या भांग पीने की सलाह देना व उन पर गाने बनाना सभ्य समाज के लिए सही संदेश है? भांग पीने के विषय में कबीर परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं, भांग तंबाकू छूतरा अफू और शराब, कह कबीर कौन करे बंदगी ये तो करे खराब। एक और अन्य वाणी में कहा है, अमल आहारी आत्मा कभी न उतरे पार, कह कबीर पुकार के त्यागो ताही विचार। यानी नशीली पदार्थों का सेवन करने वाला जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसे व्यसन को तुरंत त्याग देना चाहिए। फिल्मी गानों की तर्ज पर नाचते गाते जाना क्या हमारी सदग्रंथों से बाहर की बातें नहीं है? जिस साधना को हम आज से 50 वर्ष पहले नहीं करते थे, तो क्या उस समय के धर्म गुरु या पंडित लोग मूर्ख थे? सच्चाई तो ये है कि यह एक मनमाना आचरण है और हमारे आज के धर्म गुरु इस बात को हमें समझा ही नहीं पा रहे हैं। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न कोई सुख मिलता है और न ही उनकी परम गति होती है। इसके साथ ही श्लोक नंबर 24 में कहा है कि अर्जुन, हमें कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात हमें अपने सदग्रंथों के अनुसार ही धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम अपने सदग्रंथों का अपमान कर रहे हैं। अध्यापक का कार्य होता है सिलेबस के अनुसार शिक्षा देना। हमारा आध्यात्मिक सिलेबस हमारे सदग्रंथ है और जो आध्यात्मिक अध्यापक यानी धर्मगुरु हमें हमारे सदग्रंथों के अनुसार शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो वे सही आध्यात्मिक अध्यापक यानी धर्मगुरु नहीं है। समाज में कावड़ लाने जैसी मनमुखी साधना करने वालों की संख्या बढ़ती चली गई और हमारे धर्मगुरु व कर्मकांडी पंडित लोग इसको रोकने की बजाय इसको प्रोत्साहित करते चले गए। आज इस संपूर्ण विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र सदगुरु यानी सच्चे गुरु हैं, जो हमें सदग्रंथों के अनुसार ही शिक्षा दे रहे हैं, फिर चाहे उनकी बात कड़वी लगे, लेकिन वही सत्य होती है। सदगुरु की पहचान करने के विषय में कबीर परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं, सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, चार वेद छह शास्त्र जो कह 18 बोध। यानी सदगुरु वह होता है जो हमें चार वेद छह शास्त्र और 18 पुराणों के आधार पर ही शिक्षा दे। आइए जानते हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के कावड़ यात्रा पर विचार। आपने देखा होगा ये कावड़ लेनी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तक, खासकर सावन के महीने में, और वहां से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चल रहे, गंगा का पानी जल, नंगे पैरां बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ कर ज्यादातर पैदल ज्यादा आते हैं, और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। अब देखो प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं, एक कोड वर्ड होता है, जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जाकर ही नहीं देखे और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है, ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं, तो ऐसे ही इन भगवानों के भी ये कोड वर्ड हैं जो विशेष मंत्र हैं जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं, वो मंत्र यथार्थ मंत्र हैं जो हम आपको देते हैं। तो वो क्या करते आते हैं, वहां से लेकर सावन के महीने में इस सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सावन के महीने में तो शहर को भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह किसी टाइम भी, यानी जितना हो सके कम से कम सफर करे सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में इतने जीव जंतु सूक्ष्म उत्पन्न हो जाते हैं
कदम रखते ही कई कई मरते हैं। और उस सावन के महीने में यू कार ने नया काम शुरू करवा दिया कि वहां से पैदल चलो गंगा से, हरिद्वार से, और अपने अपने घर तक आओ। तो उसमें कितने जीवन के पैरा तलम रहे वो सारे उनके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं पाप में। और पाइया गंगा जल लेकर आऊ वो बता भगवान शिव जी का उस गंगा जल का भूखा है। और नाम लेते नहीं भगवान का, बम बम महादेव भी ना कहते बम 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 बम, अब न कोई नौके नहीं आयो बम बम का नाम भी बुंडा। और वो मानना इसने मंत्र तत्काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रखे हैं। भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। परमात्मा सब तरह सलाह देते हैं कि गुरु आपके एज एडवोकेट का भी काम करेगा उस धर्मराज या न्यायाधीश के दरबार में, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है 21 ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड का। तो वहां साथ जाएंगे दास के रूप में परमात्मा, और उनको कहेंगे कि सर निकालो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को, ये विधान है भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम व्रज एवं त्वा सर्व पापे भयमुक्षामि मा शुच। वो किताब खुल जाएगी गीता वहीं पर कि इस तेरे भगवान की बोली हुई है ये, इस ब्रह्म की, और देखो ये क्या कहता है कि मेरे सत्र के सब पूजा मुझे दे दो और फिर तुम जाओ, अब जी छोड़ो इसको। ये ओम नाम का जाप जो सेकंड सतनाम में जो सेकंड मंत्र आपको दिया जाता है उसमें प्रथम जो मंत्र है सतनाम दो अक्षर का, जो पहला अक्षर का मंत्र है ये ब्रह्म का है ओम, इसकी कमाई वहां दे देंगे फिर वो ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे याद आओ जी आप। और फिर जो दूसरा मंत्र है सतनाम का दूसरा अक्षर है उसकी कमाई फिर अक्सर पुरुष के लोक में देंगे जाकर, वहां भी आपके साथ रहेगा परमात्मा इस दास के रूप। और जब फिर गर्मा द्वार पार किया फिर बारहवें द्वार को पार करके तब सतलोक में जाया जाएगा। समृत कबीर साहेब स्वम व त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर के विषय में परमात्मा क्या वाणी प्रस्तुत करते हैं। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव सो हम नाम दिया शंकर को वो करें हमारी सेव।